हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और इज इट अ कुक की किचन में आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल आलू मेथी की सब्जी। हम सभी जानते हैं मेथी गुणों से भरपूर होती है, गर्म होती है, इसीलिए हम इसको सर्दियों में खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। आज हम इसको जिस मेथड से बनाएंगे उससे आपकी जो आलू मेथी की सब्जी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और खाने में भी आपको टेस्टी लगेगी और बिल्कुल सिंपल और ईजी स्टेप से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू मेथी की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हमने ले ली है यहाँ पर 200 ग्राम मेथी, जिसको हमने काट लिया है और थोड़ा मोटा मोटा ही हमने इसको काटा है, बहुत फाइन चॉप करने की नीड नहीं है। 3 मीडियम साइज आलू हैं, जिसको हमने छोटा और मोटा काट लिया है। इस तरीके का आपको आलू काट कर तैयार करना है। 2 मीडियम साइज टमाटर, इनको आप रफली चॉप कर लीजिए। 2 मीडियम साइज गाजर है, जिनको हमने वॉश कर लिया, पील कर लिया और उसके बाद हमने इनको रफली काट लिया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है आलू मेथी की सब्जी के लिए। 2 से 3 हरी मिर्ची और 2 इंच अदरक का पीस है, जिसको हमने छोटे और मोटे पीसेस में कर लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर हैवी बॉटम कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल में इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। और ट्रेडिशनली भी इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको रिफाइंड ऑयल में या देसी घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को हम हल्का गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे। ऑयल यहाँ पर हल्का गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो हम डालेंगे इसमें अदरक और हरी मिर्ची। और आप अगर चाहें तो आलू मेथी की सब्जी को लोहे की कढ़ाई में अगर बनाते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। अदरक और हरी मिर्च हमने हल्का हल्का भून लिया है, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको आधा से 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और मसाले हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इससे बस आपकी आलू मेथी की सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज टेस्ट पे कोई अंतर नहीं आता है। 1.5 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे गाजर। गाजर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। गाजर जो है इसको नेचुरल स्वीटनेस भी देता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और स्पेशली जो शुगर पेशेंट है वो आलू को स्किप कर केवल गाजर के साथ ही मेथी की सब्जी को बना सकते हैं। साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी हम स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का। इसमें हमने जो अदरक और हरी मिर्च डाला है उसका जो टेस्ट है आलू मेथी की सब्जी में बहुत बढ़िया आता है। और आपने देखा भी, हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो भी कलर के लिए। हमने लाल मिर्च, जो खाने वाली लाल मिर्च होती है, उसका यूज़ नहीं किया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसमें बिल्कुल लास्ट पे मेथी ऐड करेंगे और मेथी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी हमारी स्लो ही है। ये सारा प्रोसेस जब आप स्लो फ्लेम पर करते हैं तो आपके कोई भी मसाले नहीं जलते हैं, अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स होती हैं और टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप प्याज और लहसुन को भी ऐड करना चाहते हैं तो जीरा डालने के बाद जब भून जाए जीरा, तो उसमें आप लहसुन और प्याज को हल्का हल्का भून लीजिए और उसके बाद बस टमाटर और ये सारे मसाले जैसे हमने डाले हैं आप वैसे डाल दीजिए, तो आपकी प्याज और लहसुन वाली मेथी तैयार हो जाएगी। हम लेकिन आज आलू मेथी की सब्जी बिल्कुल सिंपल और ईजी मेथड से बना रहे हैं। तो चलिए, अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसको कवर करके रखेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इसको हम लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ऐसे ही कुक करेंगे, ढककर कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेथी में भी पानी होता है, अपना नेचुरल वाटर होता है, उसी वाटर में ही, उसी पानी में ही ये सब्जी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी।
सात से आठ मिनट हो गए हैं, तो लिड को हटाकर देख लेते हैं। और हमने यहाँ पर सब्जी को लगभग एक से दो बार हमने चला भी लिया था बीच में। नीचे से ऊपर अच्छी तरीके से आप पहले मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम आलू को टेस्ट कर लेते हैं। आलू को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा गल गया है, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो ये देखिए, हमारी जो आलू मेथी की सब्जी है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और अब हमने क्या करना है, लिड को हटा के रखेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा बहुत अगर इसमें मॉइस्चर है या पानी है वो भी हमारा सूख जाना चाहिए। बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगी है। जब भी आप आलू मेथी की सब्जी बनाएं तो मेथी जब आप मार्केट से लाएं तो ध्यान रखिएगा, छोटे पत्ते वाली जो मेथी आती है वो देसी मेथी होती है, अगर हो तो आप वही यूज़ कीजिएगा, उसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अदरवाइज़ जो बड़े पत्ते वाली मेथी आती है उसको भी आप बना सकते हैं। लिड को हटाने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर आलू मेथी की सब्जी को लगभग दो मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे फुलके और पराठे के साथ में। तो आपने देखा आलू मेथी की सब्जी को बनाना कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल और ईजी इसके स्टेप्स हैं। और हमने जो मसाले डाले हैं वो भी हमेशा हमारे घर पर ही होते हैं। हमने इसमें गाजर मिक्स की है क्योंकि मेथी का जो कड़वापन है गाजर उसको बैलेंस करती है, नेचुरल स्वीटनेस देती है, इसीलिए आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में गाजर को ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और आपको ये आलू मेथी की सब्जी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए गरम गरम आलू मेथी की सब्जी, लग रही है ना बहुत टेस्टी, तो इसको आप ज़रूर से बनाइएगा, खाने में बहुत बढ़िया लगेगी आलू मेथी की सब्जी।